मैं देख रहा हूँ एक्चुअली, मैंने डिसाइड नहीं किया अभी तक, मैंने डिसाइड नहीं। ये चेक करेगा इस, खड़े होकर चलाने का दिल करता है। गाड़ी तो मतलब एडवेंचर के लिए परफेक्ट है गाइस, लाइक लाइट वेट है, बजट फ्रेंडली है। अगर मैं एएमआई का झंझट लूंगा तो फिर राइड कहाँ से करे यार, कौन से पैसे से करे। सोचे थे गाइस व्लॉग ना सीधा नीचे जाके स्टार्ट करे बोलकर, बट यहाँ का मौसम ना गाइस आपको चेक कराने का दिल कर रहा है एक्चुअली मुझे। जस्ट चेक दिस आउट, खूबसूरत गाइस, या बहुत ही सुहाना मौसम यहाँ पे होता हुआ। सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो ना, अच्छे ही रहे ना। कहीं पे फॉग, कहीं पे खुला, कहीं पे फिर से फॉग, बादल, धूप, बारिश का सिलसिला था, होता रहेगा। ये चेक करेगा इस, ये पेड़ों को मानसून में ना गाइस, मतलब मानसून में नहीं, यहाँ बारिश के सीजन में अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता हुआ, क्योंकि जगह जगह पर पेड़ मतलब गिरने का चांसेस रहता है, तो हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज भी हम ना यहीं पे पार्क कर रहे हैं, एंड इत्तेफाक की बात यह है कि पिछली बार भी हम वेटनेस डे को यहाँ पर आके पार्क कर रहे थे, एंड आज भी वेटनेस डे को ही यहाँ पर पार्क करना हो रहा है। एंड आप शायद ना अभी मेरे सनवेटर को नहीं पहचानोगे, क्योंकि सामने का जितने भी नाम हमने लिखे थे वो मिटा दिए गए हैं। थैंक यू, ये था, ये पता नहीं मुझे, ये है तो उधर टोकन है तो उधर। सो इट्स अ वेटनेस डे, एंड यहाँ पर ना वेटनेस डे को हाट लगता है, यानी कि बाजार मार्केट लगता है, काफ़ी लोग लाइक ऊपर से भी लोग आते हैं क्रिश्चियन दार्जिलिंग से हाट करने के लिए, सब्जी वब्जी खरीदने के लिए। होलसेल में शायद ज़्यादातर डील करते हैं यहाँ पर। ये देखो इस मिठाई, मिठाई देख के हमें खाने का दिल कर रहा है। जस्ट चेक दिस आउट, ये है मिठाई। एंड कपड़े देखकर तो लेने का दिल नहीं करता है, बस हाँ आप दोगे तो फिर पक्का हम लेंगे, क्या बोलते हो। तो हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं, आग में धूल चला जा रहा है गाइस। बगान के अंदर से लेके जाएगा तू? हाँ, चलो चलो फिर। तो सैमुअल भाई हमें ना बगान के अंदर से लेके जा रहा है, यहाँ से जिस लोकेशन में हमें बुलाया गया अभिषेक भाई ने। तो चलो ऑफ रोड का सिलसिला फिर से चालू करते हुए सैमुअल भाई राजवंशी ब्लॉगर वंस अगेन। भाई बारिश में तो फिर रोड ख़राब तो नहीं कर रही है ना, घूम जाएंगे। अब तू तो है एडवेंचर, तू तो है असली राइडर। लद्दाख कब जाएगा? अरे लद्दाख का रोड भी अभी तो इससे बेहतर बन चुका है, तो एडवेंचर तो इधर ही कर लेते हैं। लद्दाख में तो एडवेंचर नहीं मिलेगा, अब ऐसा एडवेंचर कहाँ मिलेगा लद्दाख में अभी का टाइम। ये देखो 99% ब्लैक टॉप हो चुका है, तू एडवेंचर इधर ही कर भाई। अभिषेक वन सेकंड, कैसा है? बस बढ़िया बढ़िया। तो अपना नाम लेने वाला है क्या? चाचा। अरे यार चाचा, चाचा मत बोल यार। और भाई गाइस यार एक्सपल्स आ चुका है यहाँ पर, तो ट्रायल ले लेते हैं एक बार, क्या बोलते हो। बट ट्रायल करके ना चाय के चीज़ के लेने का दिल कर रहा है ना हमें। सो ये भी भांगा है क्या? ये भांगा है ये भी। जाना किधर से? चलो फिर लेट करो। ओके ओ ये भी थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे। एंड देन बाकी सब बढ़िया, बस चल रहा है। चलो आगे सीधा ही। साला मिरर भी नहीं है इसका तो यार। सीधा सीधा थोड़ा सा लेक। सीधा अंदर ही गाड़ी है पीछे। ऑलराइट इधर ही। ऑलराइट गाइस इट्स 2:15 इन द नून, एंड हम पहुंच चुके हैं हिमाचल बिहार। वैसे ये बंगाल में नाम बस सिर्फ हिमाचल बिहार दिया गया है। एंड भाई का मतलब गेटअप चेक करें, मैंने सोचा नहीं था कि यार शर्ट का कलर और बाइक का कलर सेम होगा बोलकर, बट यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता हुआ। बट लेट्स सी, हमने देखे इस बाइक को चलाए एक बार, और एक बार चलाना है एंड उसके बाद फिर डिसाइड करना है, क्योंकि ना गाइस मतलब जो भी लेते हम सोच समझ कर ही लेते। मैंने तो प्लान किया था, उम्मीद किया था कि यार मतलब हम शोरूम से मतलब एक ग्रैंड वो करके निकालेंगे बोलकर, बट नहीं, सब चीज़ों को देखना होता है ना गाइस। उस दिन को हम आए थे लाइक मैंने जानकारी ली EMI के बारे में, इतना डाउन पेमेंट क्या 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 क्या, तो बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मतलब EMI का झंझट ना सर के बल नहीं लेना है। तो मैंने ये फाइनलाइज़ किया, जो बजट है अभी मेरे पास शायद उसी बजट में एक सेकेंड हैंड तो नहीं कहूँगा, एक दूसरा मशीन ले सकता हूँ मैं, इतना तो शायद कर पाएंगे। तो लेट्स सी, तो उसके चक्कर में ना गाइस अभिषेक भाई हमारा
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अभिषेक ने मतलब काफ़ी कांटेक्ट दिलाया है, तो देखता हूँ गाइस पहले इसको चलाकर एंड उसके बाद में हम फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि जो भी लेना है सोच समझ कर लेना पड़ेगा। अगर मैं EMI का झंझट लूँगा तो फिर राइड कहाँ से करे यार, कौन से पैसे से करे? एंड बींग एन मिडिल क्लास बंदा सब चीज़ों को देख कर ही आगे बढ़ना होता है। बट आई प्रॉमिस कि मतलब आने वाले टाइम पर ना गाइस एक्सपल्स तो अभी फिलहाल हम लेंगे, ठीक है? अब कौन सा होगा वो पता नहीं, सेकेंड हैंड लेंगे, बट आने वाले जो दूसरा बाइक होगा वो ब्रांड न्यू शोरूम से निकालेंगे, तब आपको भी बुलाएंगे, ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे तब। तो क्या पता वो आने वाले एक साल के अंदर भी हो सकता है, और उससे पहले भाई को ना प्यार देना गाइस, आपके प्यार के हम भूखे हैं। सो दिस इज़ द एक्सपल्स, हीरो एक्सपल्स, एंड क्या बोलूँ गाइस, कलर वाइज बताना, शर्ट के साथ तो मिल रहा है, एंड एक बार स्टार्ट करके भी आपको दिखाते। इग्निशन चक्र अभी 16,400 कितना दौड़ चुका है ये, एंड 2020 अक्टूबर नवंबर का गाड़ी है ये। किल स्विच ऑन करते ये कुछ इस तरीके से, एंड एक बार आपको स्टार्ट करके सुनाते हैं एग्जॉस्ट नोट, ये चेक करें गाइस, है ना? तो ये रहा एग्जॉस्ट नॉट, एंड हमारा कैमरा मैन श्यामल भाई ये पूरा मतलब मेहनत कर रहा है बंदा, सही बता रहा हूँ। श्यामल भाई के लिए बिग रेस्पेक्ट, एंड अभिषेक के लिए भी बिग रेस्पेक्ट, एंड बंदे ने भी लद्दाख करके आए, पिछले साल ही हमें मिला था अटल टनल में, एंड था इनका भी स्टोरीज काफ़ी कुछ इधर उधर। तो या गाइस दिस इज़ दी वन, एंड देखते यार मतलब क्या करूँ हो रहा है, बस आप सजेस्ट करना कि करे तो क्या करे यार, मतलब बताओ जल्दी यार, ये देखो मतलब एक्सपल्स गिरने वाले हम। सो दिस इज़ दी एक्सपल्स जो अभी मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं अच्छा से सूच बूझ कर ही डिसाइड करेंगे। तो रफ़ लुक में अगर दिखा जाए तो बस यही है कंडीशन, अगर इसको नहलाना धुलाना होगा ना तो शायद चकाचक देखने को है। एंड गाड़ी हमने भगाए, बट थोड़ा सा स्लो लग रहा है, शायद बैठा हुआ गाड़ी तो इसलिए वो तान नहीं मिल रहा है, वो खुला नहीं है एक्चुअली, अभी तक सिर्फ 16,000 ही दौड़ा है। एंड अभिषेक का कहना है कि मतलब ये सिर्फ घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर, यही था सिलसिला। तो इस तरह की गाड़ी एक्चुअली होता तो सही है, बट इंजन बैठ जाता है ना, अभी तक नहीं खुला अच्छे से, शायद 16,000 ही तो दौड़ा है, बट लेट्स सी, फिंगर क्रॉस गाइस, एक बार और चलाते आपको दिखाते उसके बाद, लेट्स सी जो भी होगा देखा। अभी तो हमने आपको दिखाया, बट एक बार चला के और अच्छे से आपको दिखाते, एंड आप भी कमेंट करना कि क्या करें बोलकर, क्योंकि आपका कमेंट ना गाइस मेरे लिए ओ हो ये चेक करे, एक बार दौड़ा के देखते, दौड़ा ही रहे, ये गांव में तो सीधा क्यों आ रही हो, देख ना भाई को मत करना कुछ भी मेरे को, जग से फाट। एंड ये पैसे थोड़ा सा कम है एक्चुअली इस रियर टायर में, वो थोड़ा नहीं बहुत ही कम है, ये लिटरली दब जा रहा है एक्चुअली। सो दिस इज़ दी वन गाइस जो अभी एक्चुअली मैंने डिसाइड तो नहीं किया है, बट शायद मैं ले सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ ठीक तो है गाइस इस गाड़ी में। बट अभी हम कहाँ से आए, थोड़ा आगे से भूल जाते, मुझे जब भी एक्सप्रेस में हम दौड़ाते ना तो ऐसे ही खड़े होकर चलाने का दिल करता है। गाड़ी तो मतलब एडवेंचर के लिए परफेक्ट है गाइस, लाइक लाइट वेट है, बजट फ्रेंडली है, एंड स्मूथ भी है, एंड वो क्या कहेंगे पता नहीं। चलिए, टायर हवा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दौड़ा है। बाइक देखना हुआ अभिषेक भाई के साथ मिलकर, एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, एंड मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया हो कि करना क्या है बोलकर उस बाइक को लेकर, मुझे बाइक वाइज पर्सनली अच्छा लगा। एंड श्यामल भाई बैठो, बारिश का गोला तो बन रहा है, एंड अच्छी बात यह कि अभी तक बारिश नहीं हुआ है जो कि बहुत सही है। एंड अभिषेक भाई ने जो बाइक लाए थे, सही बताऊँ मुझे शायद आई थिंक परफेक्ट तो है, बट डील थोड़ा सा इधर उधर करना है, बिकॉज बजट में हम जो चल रहे हैं ना गाइस, तो लेट्स सी जो भी होगा देखा जाए। तक हमने फाइनलाइज़ नहीं किया है, बट आप बताना, आप कमेंट सेक्शन में आप बताना कि कैसा लगा ये हमारे जो एक्सपल्स आज हमने जो देखे, मुझे तो अच्छा लगा एक्चुअली ना गाइस। गाड़ी का क्या सबसे पहली बात देखना चाहिए पता है आपको, मतलब इंजन सही होना मांगता है एक्चुअली, हजार तो वही चीज़ मुझे ठीक लगा, बट आप में से मतलब बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। बट मैं आपको बता दूँ यार, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना गाइस, मैं ना वही सोच रहा हूँ, मैं EMI का यहाँ पे झंझट लेने के लिए नहीं चाह रहा हूँ एक्चुअली। EMI आ रहा है लाइक 3500 3600 का, तो उससे तो शायद मैं एक ट्रिप ही बना लूँ,
सही बता रहा हूँ, एक साल का ट्रिप भी बड़ा सा लंबा सा कर लूँ वो सेव करके, क्यों यार मतलब इतना पैसा था कि बोलकर, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि यार EMI में ना लेकर जो बचा कुछ जो पैसा है, मैं डाउन पेमेंट जो दे रहा था तो उसी पैसे को शायद कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें बोलकर। तो कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ यार, मतलब आपका राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपके बिना तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल जिस स्टेज में मैं हूँ तो ये अफोर्ड कर सकता हूँ, ना कि ब्रांड न्यू लेके भी मुझे वही ब्लॉग बनाना है, ये लेके भी वही ब्लॉग बनाना है, बट मुझे पता है फ़र्क पड़ेगा, बट अब जो सकेंगे ना हम गाइस वही करेंगे एक्चुअली। अब तो मिमी कहाँ, इधर मिमी है अंदर, ओ मिमी अंदर है, एंड राजवंशी वंस अगेन इसके गांव में आकर, इसका तो घर इधर ही है बगल में, ये बगल में है 200 मीटर। ये देखिए तो शुभम को जलेगा, हाँ शुभम को जलेगा ये देखकर यार, क्योंकि उसका फेवरेट है ना ये। अभी नेपाल में हमने नेवारी खाना खाया था ना, वहाँ पर एक सफ़ेद के बारे में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, मतलब पूछ भी रहे थे मुझे पर्सनली, तो उसी तरीके का यहाँ पर भी एक सफ़ेद और इसे हम कहते हैं टाइपो, विच इज़ वेरी मच डिलीशियस, ये चिकन टाइपो एक्चुअली गाइस बहुत ही अच्छा होता है, एंड इसको अगर फुटा के मतलब फोड़ के देखा ना तो ये चक्कर अंदर में ना आपको ये कीमा मिलेगा, लाइक एक हाफ बॉयल एग मिलेगा, जो कि ना इसको ऐसे कर ऐसे रख कर ये पकड़ कर और ऐसे खाना होता है एक्चुअली। गरम यार, चल भाई अगर कंफर्म होता है तो मैं कल बोलेगा जो भी हो रहा है मुझे, हाँ मैं चलता हूँ, प्रॉब्लम है तो फोन करूँगा रे भाई, आना मिलने, हाँ आपका वीडियो देखते हैं, अच्छा थैंक यू जी, हाँ जी और सब बढ़िया, मैं आपका वीडियो देखते हैं रॉक लामा के साथ गए, हाँ मुस्तांग मुस्तांग आप लोग यहीं के हो क्या, अच्छा इट्स 5:17 इन द इवनिंग, तो लेट्स सी यार, मतलब फिर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि आपको कैसा लगा, एंड आप लोग बताना कि हम ये खरीदे या ना खरीदे बोलकर, बट ऑप्शन ही नहीं है ना गाइस, मतलब मुझे खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि बजट मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। इस खतरनाक बारिश हो गया ना थमा एक्चुअली यहाँ पे, एंड वक्त आ चुका है विंड सीटर पहनने का, ठंड से लग रहा है, एक्चुअली ठंड नहीं लग रहा है इसे ठंड नहीं कहते, बट चलाते वक्त ना वो चिल वाइब्स मिल रहा हमें, जो कि चेस्ट पर लग रहा है। एंड मैंने ना चेस्ट से खिलवाड़ नहीं करना एक्चुअली, तो इसलिए विंडशीटर हमने पहन दिए, ये चक्कर ये तो हाल फिलहाल में रुका हुआ है पानी है, इनको पता चल गया कि देसी ब्लॉगर आ रहा है तो हमें मतलब रुकना पड़ेगा, नहीं तो डंडे लगाएंगे बोलकर, जग से पढ़ाएंगे इस जग से पार्ट, नेचर के सामने ना सभी लोग फेल खा जाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे बारिश मतलब थमथमान मतलब पीछे पीछे हट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं बारिश पीछे पीछे, बहुत ही अच्छा संकेत है, बस अभी और ज़्यादा नहीं, इट्स 5.5 किलोमीटर मोर टू गो, और ये 5.5 किलोमीटर के अंदर ना बारिश ना हो, क्योंकि ये कोल्टे कोलाई से आगे का सफ़र कुछ अलग ही कहता है एक्चुअली।